राधा का प्रेम, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रास। मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्यौहार। नमस्कार, R9 टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बेहद खास अवसर पर। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया, उन्हीं के जन्मोत्सव की धूम चारों तरफ देखी जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है और चारों ओर सिर्फ भगवान कृष्ण ही सजे धजे नजर आ रहे हैं। मंदिर हो या घर हो, हर तरफ कृष्ण भक्त सिर्फ अपने कान्हा का इंतजार कर रहे हैं। तो आपका भी इंतजार खत्म करते हुए दिखाते हैं आपको जय कन्हैया लाल की। नटखट कान्हा आए द्वार, लेकर अपनी बांसुरी साथ, मोर मुकुट सिर पर सोहे और आंखों में काजल की धार। गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग जो करते हैं रास, देवी की यशोदा जिनकी है मैया, इन्हीं कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव आया है। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर आया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर कान्हा को याद करने का है और उनकी लीलाओं और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का पर्व है। वैसे तो जन्माष्टमी भारतीय संस्कृति और परंपरा का खास त्योहार है। इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है। कहा जाता है जन्माष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। और इन खास अवसर को भारत ही नहीं विदेशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस खास अवसर पर मंदिरों में लोग झांकियां सजाते हैं और भगवान को झूला झुलाते हैं। लोग पूरी रात मंगल गीत गाकर भगवान के जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। रात के 12 बजे भोग लगाकर पूजा और आरती करते हैं और साथ मिलकर श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनचाहा वरदान मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने पर निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की पूजा करने से धन सम्मान आरोग्य आयु ऐश्वर्य हर चीज की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार बाल गोपाल को माखन काफी पसंद था, जिसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुरा कर खाते थे। इसकी वजह से उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। कहा जाता है कि माँ यशोदा भी गोपाल को माखन मिश्री बनाकर खिलाती थी और इस खास दिन पर भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके 56 भोग लगाए जाते हैं। इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास है। इस बार जन्माष्टमी पर ग्रह गोचरों का महासंयोग वरदान है। इस तिथि पर छत्र योग, सौभाग्य सुंदरी योग और त्रिवस्य योग बने हैं। 14 वर्षों के बाद 3 संयोग एक साथ होना बेहद खास है। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार है। इसके अलावा भगवान कृष्ण का ध्यान व्रत और पूजा करने से भक्तों को विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। मुरली मनोहर ब्रज की धरोहर, वो नंदलाल गोपाला है। बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला, वो नंद का लाला है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का पर्व माना जाता है और बाल गोपाल सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार की जन्माष्टमी आपके लिए खुशियां लेकर आए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।